हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन की नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर जो प्रश्नावली 9.4 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन मेरा दावा है ठोक के कि बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, 100% गारंटी के साथ। यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और आज हम सीखने वाले हैं समघातीय अवकल समीकरण के बारे में, उसको कैसे हल किया जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने में कंजूसी मत करो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले से 1 से लेकर 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है। पहले तो इसको दर्शाना है कि ये समघाती है और उसके बाद इसको हल करना है, ठीक है। तो समघाती जब हम दर्शाएंगे क्वेश्चन को हल करने के ना, दो तरीके आएंगे, ठीक है। समघाती अवकल समीकरण आपको दो तरीके से हल करने को मिलेगा, ठीक है। एक तो आएगा देखना dy/dx करके और एक आएगा dx/dy करके। दोनों स्थितियों में कैसे हल किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और पहले क्वेश्चन में ही मैं डिटेल में बताऊंगा कि अवकल समीकरण कैसे दिखाया जाता है और वही प्रोसेस हर एक क्वेश्चन में सॉल्व हमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखो वैसे कैसे जनरली पता कैसे लगाते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, x की घात यहाँ 2 है, x की घात 1 और y की घात 1 कुल मिला के 2 है। यह x की घात 2 है, यह y की घात 2 है, तो सबकी घात टोटल 2 2 2 है, समान है सबकी घात। यानी कि ये सब जो देखिए हमें पता लग गया कि यह समघाती है, समान घात की है, ठीक है। तो देखो अब शो कैसे करना है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हल जाता है तो जगह हमें ज़्यादा चाहिए होगी। यहाँ से देखिए, ये डी वाई है, ये बट्टे का डी एक्स गुणे का डी एक्स द्रव के बट्टे में हो गया। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो गुणे में है इधर आके क्या हो गया बट्टे में, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, देखो समघाती दिखाना है ना, तो माना x की जगह हमें रखना होता है लैम्डा x और y की जगह हमें रखना होता है लैम्डा y। रखने पर ठीक है, यहाँ हमें रखना है इस समीकरण में, ये समघाती दिखाने का तरीका है। जैसे ही हम रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यह जाएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। जैसे मान रखेंगे और वर्ग करेंगे, नीचे हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, x का मान लैम्डा x, y का मान लैम्डा वाई, हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। ऊपर से क्या है, लैम्डा स्क्वायर ओवन स्ट है, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर ओवन स्ट है, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर प्लस का तो ऊपर से क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई। इसकी घात क्या है, 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह 0 घात वाला समघाती अवकल समीकरण है, समघातीय फलन है। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक अवकल समीकरण को जिसे हमें समघाती दिखाना है ये रखना होता है, x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y, ये प्रोसेस हमें करना ही है, ठीक है। वैसे देख के पता लग जाता है कि इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, x और y की घात मिला के तो सबकी घात 2 2 है, तो जब सबकी घात समान है तो ये समघाती अवकल समीकरण हो गया। अब हमारा जो अवकल समीकरण है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो हमने dy/dx के रूप में लिखा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब dy, मैंने बोला था दो प्रकार से आपको मिलेगा, एक dy/dx मिलेगा, एक dx/dy मिलेगा। तो जब dy/dx मिलेगा तो हमें क्या करना होता है, माना हमें क्या करना होता है, dy तो माना y बराबर vx, और अगर dx/dy होता तो x बराबर हम vy मानते हैं, ठीक है। इस स्थिति में हमें क्या मानना होता है, y बराबर vx, और इस वाले में हमें मानना होता है x बराबर vy, ठीक है। ये दो स्थिति होती है। सो वाई बराबर वी एक्स, यहाँ पर क्या है, एक्स है ना, एक्स के सापेक्ष का प्लस कर दो तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, फर्स्ट
और ये सेकंड। पहला गुणे दूसरे का अवकलज एक्स का अवकलज, एक लिखो ना लिखो, दूसरा वैसे का वैसा पहले का अवकलज। ठीक है, अब ये जो मान है वाई तथा डी वाई बेटा डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण हमें कहाँ रखना होता है, एक में। ये जो समीकरण एक है यहाँ पर हमें रख देना है। चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर है, x की जगह पर हमें क्या रखना है, vx यहाँ पर। तो जैसे ही vx रखेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर गलत x की जगह तो x ही रहेगा, y की जगह पर रखना है ना। चलो कोई नहीं, इधर आगे पीछे हो गया, बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स वाई की जगह पर मैंने क्या रखा है वी एक्स। सो अगर आप ऊपर से ध्यान से देखें, ऊपर से क्या वी स्क्वायर ओबेनिस्ट है, नीचे से भी वी स्क्वायर ओबेनिस्ट है, यहाँ से क्या बचा वी स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर ओबेनिस्ट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ओबेनिस्ट है, तो यहाँ से बचेगा वन प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर ओबेनिस्ट वन प्लस वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट डाउन, और ये प्लस का भी इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस के भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या x डी वी बट्टे डी एक्स, इधर हमारा बचा था वन प्लस वी स्क्वायर वन बट्टा वी, और ये प्लस का भी इधर रखे माइनस का हो गया। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अब लॉस ऑफ आ जाएगा एक बट्टा वी, इसकी गुणा इसके साथ, और इसकी गुणा इसके साथ माइनस वी एक कम वी, और माइनस वी वी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का वी स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर कटा, ऊपर बचा माइनस वन माइनस वी, नीचे बचा वन प्लस वी। ठीक है, और यहाँ है डी वी बट्टे डी एक्स एक्स। ओके, अब यहाँ तक होने के बाद जब संपूर्ण सरल हो जाता है तब हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल करना होता है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल। अब ये देखो वी को एक तरफ, ये बट्टे वाला इधर के गुणे में, और ये गुणे वाला इधर के बट्टे में, ये डी एक्स इधर आ गया, ये एक्स इधर आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद समाकलन करना है, समाकलन करने पर। ये जो पहला ही क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को ही बोर्ड एग्जाम ने कई बार पूछा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो v की घात इधर भी एक है, इधर भी एक है। ठीक है, ओके, तो ये हमें भाग देना है, आप भाग दे सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। फिर समाकलन करना है, ये देखो इधर समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, इधर समाकलन, अंश और हर की घात समान है, तो हमें वन माइनस वी से भाग देना है वी प्लस वन में। तो ये आपको पता ही है, वी को भाग देंगे माइनस के वी से, तो यहाँ माइनस के क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक से गुणा करेंगे, एक माइनस एक को वी से गुणा करेंगे, वी आ जाएगा, माइनस एक को एक से गुणा करेंगे, माइनस एक आ जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये घटाने यहाँ से आ गया दो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दो। पहले तो देखेंगे भाग कितनी बार गया, भाग हमारा गया है माइनस के एक बार, यहाँ से इसको काटो, माइनस के एक बार गया, और फिर प्लस का यहाँ कितना है दो, और जिससे भाग दिया वो बट्टे में आ जाता है। यहाँ पर है डी वी, अच्छा यहाँ डी वी छूट गया था। ठीक है, और इधर क्या है डी एक्स बट्टे एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक, यह इंटीग्रेशन का चिन्ह है। देखो डी वी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो माइनस वी, डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वी, दो बाहर, और वन अपन वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग वन माइनस वी, और वी का गुणज माइनस है एक है, तो वो बट्टे में आ जाएगा। डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स, इंटीग्रेशन अब आपको आना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन अब आपको अच्छे से आना चाहिए, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ भी जोड़ दो, प्लस सी, अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के वी माइनस के, ये जो भी होता है वो पावर में आ जाता है लॉग वन माइनस वी स्क्वायर, लॉग के सामने जो गुणज होता है वो यहाँ पर पावर में आ जाता है। ये सब आपने सीखा है छोटी क्लास, छोटी मतलब चैप्टर नंबर 5 से ही सीख रखा है ये सब।
ये सी। अब देखो आंसर आपको वी में नहीं छोड़ना है, आपके पास क्या था, वाई बराबर वी एक्स था, ठीक है ना। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वाई बट्टे एक्स। तो जहाँ जहाँ वी है वहाँ पर रख दो वाई बट्टे एक्स, वी है स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी, यहीं पे छोड़ दो, ये हमारा हमें आंसर मिल गया। अब आप एनसीईआरटी से मैच करोगे तो ये आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से अगर आपको आंसर मैच करना है तो आपको प्रोसेस को रटना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फिर माइनस के लॉग सी मानना पड़ेगा आई थिंक, उसके बाद फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा, उस हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। जब एग्जाम में क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आए ना तो एज इट इज़ वैसा ही करके दिखाना पड़ता है। अगर आपसे सरल करने के लिए बोला है तो आप अपने प्रोसेस पे बिलीव करो कि मैंने जो भी किया है वो बिल्कुल सही है, तो आपको पूरे नंबर में ही। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो ये पूरा सही है, 100% सही है, कोई भी टीचर इसको गलत नहीं बोल सकता, दुनिया का, भारत का छोड़ दो, दुनिया का कोई भी इसको गलत नहीं बोल सकता, और ये पूरा परफेक्ट 100% पूरा नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है। ये एक रीज़न है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये है देखो, हमारे पास एक्स की घात एक, वाई की घात एक, एक्स की घात कुछ नहीं होता तो एक होता है, आपको बताइए। और ये वाई डैश है, वाई डैश का मतलब क्या है, ये डी वाई बट्टे डी एक्स, ये एक्स प्लस वाई बट्टे में एक्स। समघाती दिखाने का तरीका क्या होता है, एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स रखो, वाई की जगह पर लैम्डा वाई रखो। वो तो हम पहले क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि पहले वाले को हम डिटेल में देखेंगे, बाकी वो प्रोसेस अगर करना है तो हर क्वेश्चन में वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, समघाती फलन है, समघाती अवकल समीकरण है। अगर आप चाहो तो वो प्रोसेस रिपीट कर सकते हो, मैंने बोला एक ही बार कराऊंगा और वो चीज़ हर क्वेश्चन में रिपीट होनी है। हो गया अवकल समीकरण, अब ये हमारा अवकल समीकरण है, समघाती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ डी वी बट्टा डी एक्स है तो हमें यहाँ लिखना है माना वाई बराबर वी एक्स। तो डी वाई, ये चीज़ तो रट जाएगी आपको, डी वी बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बट्टा डी एक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड मानेंगे तो ये हो जाएगा। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रखना है हमें समीकरण एक में, ठीक है, वाई तथा डी वाई बट्टा डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, इन मानों को उठाकर हमें क्या रखना है, यहाँ रख देना है। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और यहाँ x की जगह x, y की जगह पर वी एक्स। ऊपर से क्या है देखो दोस्त, x ऊपर लिस्ट, नीचे से x, x x कटा, यहाँ है x डी वी बट्टे डी एक्स, और यहाँ बचा 1 प्लस वी, और ये प्लस का भी तरह के माइनस का हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास बचा हमें ये चीज, ओनली 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। तो ये डी वी वेरिएबल सेपरेबल करना हो तो डी एक्स यहाँ आ जाएगा और ये एक्स यहाँ आ जाएगा। बताइए कोई भी डाउट अगर हो यहाँ तक तो दोबारा देखें, वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। डी वी का इंटीग्रेशन वी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, मैं इंटीग्रेशन जोड़ दूँगा लॉग सी। तो आप जानते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स सी। वी का मान क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, क्योंकि आपको पता है वाई बराबर क्या होता है, वी एक्स। तो यहाँ रखेंगे वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स सी, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। देखो देख के पता लग रहा है, एक्स की घात एक, वाई की घात एक, एक्स की घात एक, वाई की घात एक, सबकी घात समान है, अवकल समीकरण समघाती है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ से देखो ये माइनस का इस तरह आके क्या हो जाएगा, प्लस का डी वी बट्टे डी एक्स करना पड़ता है, ये गुणे का इधर के बट्टे में आ गया, और ये गुणे का था इधर के बट्टे में आ गया, बराबर किस तरफ, समघाती अवकल समीकरण है, समीकरण ये क्या है, समघाती है, ठीक है।
डीवी बटा डी एक्स है तो हम क्या करते हैं, मानते हैं, माना वाई बराबर वी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो वी एक्स डी वी डी एक्स आ जाता है फर्स्ट इंटू सेकेंड मानने पर। ठीक, अब इन मानों को उठाकर हमें समीकरण एक में रखना होता है, रख देते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा डीवी बटा डी एक्स का मान वी प्लस एक्स डीवी बटा डी एक्स, और यहाँ एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह पर वी एक्स। ठीक है, सो आप देखो दोस्त, यहाँ से एक्स उभयनिष्ठ है, एक्स एक्स कटा। ठीक है, तो एक्स डीवी बटा डी एक्स वन प्लस वी वन माइनस बी, ये प्लस का भी इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस की भी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉस ऑफ आ जाएगा वन माइनस वी। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, तो वी एक कम वी माइनस वी वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, वी से वी कटा, वन प्लस वी स्क्वायर वन माइनस वी। ठीक है, ये चीज़ बची, और इधर क्या अपन के पास एक्स डी वी बटे डी एक्स। अब हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल, तो ये बट्टे वाला इधर आके गुड़े में वी को एक तरफ और ये चीज़ ये होगी। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ समाकलन, ये समाकलन कर दिया। अब आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वन प्लस वी स्क्वायर हो गया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहेंगे, और ये वी वन प्लस वी स्क्वायर डी वी। अगर आपने इंटीग्रेशन सीखा है तो आपके मन में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन नहीं आती तो फिर दिक्कत है। ये फॉर्मूला बन गया किसका, टेन इनवर्स वी का। अब इंटीग्रेशन में अभी आपको नहीं सिखा सकता ना, क्योंकि समाकलन के अनुप्रयोग भी हम पढ़ चुके हैं। सातवां चैप्टर अगर आपको नहीं आता है दोस्त, आपको आठवां भी नहीं आएगा, आपको नवा भी नहीं आएगा, तो इसलिए वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसको मानने से इसका अवकलज ऊपर मौजूद है, वी स्क्वायर का टू भी होता है, टू नहीं है ना यहाँ पर, टू से मैंने गुणा किया, टू से मैंने भाग किया। और देखो, जब नीचे वाला मानने पर ऊपर वाला पूरा मिल जाए तब लॉग में आ जाता है, लॉग, जब नीचे वाला मानने पर ऊपर पूरा उसका अवकलज मिले तो वो लॉग में आ जाता है इंटीग्रेशन, लॉग वन प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी है लॉग डी एक्स अपॉन एक्स कंडीशन लॉग एक्स, और मैं अपनी सुविधा के लिए लॉग सी जोड़ देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि वी की जगह पे क्या रखा जाता है, यहाँ वाई बट्टे एक्स, तो यहाँ पर और यहाँ पर मान रखना पड़ेगा। लॉग एक्स सी, लॉग एम प्लस एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, आराम से बन गया। चौथे प्रश्न में आ जाओ, ये चीज़ें एक्स की घात दो, वाई की घात दो, एक्स और वाई इसकी घात एक, इसकी घात एक, दोनों की घात मिला कर दो। ठीक है जी, तो देखो दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर है टू एक्स वाई डी वाई, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आप देखो, ये डी एक्स गुणे का इधर के बट्टे में हो गया, माइनस अंदर गुणा करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का, ये गुणे में है इधर के क्या हो गया बट्टे में, तो ये हमें हमारा अवकल समीकरण समघाती मिल गया। समघाती दिखाना कैसे होता है वो पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया, और देख के कैसे पता लगते हैं, वाई की घात दो, एक्स की घात दो, एक्स और वाई की घात मिला कर दो, गुणे में तो घातें जुड़ जाएंगी, एक्स की घात एक, वाई की घात एक, टोटल घात दो हो जाएगी, तो सबकी घात दो दो है, यानी कि ये समघाती है। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, डीवी बटा डी एक्स है ना,
माना वाई बराबर वी एक्स, ठीक है। एक्स डीएक्स बटे डीवाई कहाँ बनाना है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कोई चीज रटने वाली नहीं है, हर एक चीज समझने वाली है, ठीक है। डीएक्स बटे डीवाई कब बनेगा वो आपको बताऊंगा, अभी क्वेश्चन भी आने वाला है तो आपको पता लग जाएगा। तो वी ये हो जाएगा एक्स डीवी बटे डीएक्स। तो ये जो मान है इसको उठाकर हमें कहाँ रखना होता है, समीकरण एक में रखो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डीवी बटे डीएक्स, वाई की जगह पर वी एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, वाई की जगह पर वी एक्स। सो देखो दोस्त, यहाँ से ऊपर से एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ है, नीचे से भी एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट डाउन। ठीक, तो यहाँ पे बचा वी स्क्वायर माइनस के वन टू वी, और ये प्लस का भी इधर के माइनस का, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, लॉस ऑफ टू वी, इसके गुणा इसके साथ करेंगे तो वही आ जाएगा, और इसके गुणा इसके साथ करेंगे तो टू वी स्क्वायर, और यहाँ से टू वी स्क्वायर में से एक पॉजिटिव का घटाएंगे तो माइनस के वी स्क्वायर माइनस के वन टू वी। ठीक है, ऊपर से यहाँ से आप माइनस उभयनिष्ठ ले सकते हो वी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक्स डी वी बटे डी एक्स, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो ये इधर आ जाएगा टू वी, ये गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा, और यह नेगेटिव, ये डी एक्स इधर आ जाएगा और ये गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। अब आप देखो नीचे वाला मानने पर उसका अवकलज पूरा ऊपर मौजूद मिल रहा है, तो क्या होता है लॉग में आ जाता है, ये हो गया लॉग वन प्लस वी स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, इंटीग्रेशन भी मैंने लॉग में ले लिया। ठीक है, तो आपको पता है लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बटे एन, तो ये हो जाएगा लॉग सी, और एम इस एम था लॉग एन की जगह पर एक्स है, और इधर क्या अपन के पास लॉग वन प्लस बी, दोनों तरफ लॉग है, लॉग से लॉग हट जाएगा, वन प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा सी एक्स। और आपको पता है वाई बराबर वी एक्स माना था आपने, तो वी बराबर क्या होगा वाई बट्टे एक्स, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, पांचवा प्रश्न। देखो x की घात यहाँ दो है, x की घात यहाँ दो है, y की घात दो है, x और y की घात मिलाकर दो है, तो सबकी घात दो दो है, तो देखते ही पता लग गया कि भैया ये तो हमारा अवकल समीकरण, और यहाँ ऑलरेडी बता रखा है कि dy वाई बटे डी एक्स। ठीक है, तो इसमें छिड़खाने वाली करने वाली कोई बात है नहीं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dy वाई बटे डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस के टू वाई स्क्वायर एक्स वाई, और ये जो एक्स स्क्वायर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, ये हमें हमारा समघाती अवकल समीकरण मिल चुका है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, माना डी वी बटा डी एक्स, तो वाई मानेंगे वाई बराबर वी एक्स, तो अवकलज करने पे क्या होता है वी एक्स डी वी बटा डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकंड मान लेते हैं ना इसको, अवकलज करते हैं तो यही मिलता है, और इस मान को उठाकर हमें कहाँ रखना होता है, समीकरण एक में। ठीक, समीकरण एक में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए तो dv बटे dx का मान हमें मिला v x dv बटे dx x स्क्वायर, y की जगह पे क्या रखना है vx, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर x स्क्वायर, y की जगह पे क्या रखना है vx, बट्टे में ऑलरेडी है x स्क्वायर, ऊपर से x स्क्वायर उभयनिष्ठ है,
तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस के वी स्क्वायर प्लस वी, नीचे से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और इधर भी वी है एक्स प्लस डी वी बट्टे डी एक्स, प्लस का वी कैंसिल, ठीक है जी। तो यहाँ पर डी वी ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये हो गया, ठीक है। सरल कर दिया, सरल करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। ओ भाई, टू को मैं खा गया क्या? ये टू भी तो था यहाँ पर। ये देखो छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को ले डूबती है, ठीक है। टू हम से मिस्टेक में छूट रहा था, तो यहाँ ध्यान से देखने पे पता चल गया। अब ऑफलाइन में क्या होता है, जो अगर कोई मिस्टेक हम कर रहे होते तो बच्चे टोक देते, सर यहाँ पर यह हुआ। ऑनलाइन में क्या होता है कि हमें टोकने वाला कोई नहीं होता है ना। आप भी ऐसा टोकते होंगे, सर यहाँ पर मिस्टेक हुई है, जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो छोटी मोटी मिस्टेक अगर हो जाती है तो मुझे माफ़ करें। अब देखो, ठीक है, अब क्या है ना, ये जो टू है उसको आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है जी। इस टू को आप क्या करो, बाहर निकाल दो। तो देखो, जैसे टू से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर टू बाहर निकाला तो यहाँ पर एक बट्टे दो और यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूँ एक बट्टे अंडर रूट दो का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक बट्टे दो है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/a और 1/2a, ठीक है। ये 1/2 तो बाहर है, 1/2a, a क्या है 1/√2, फिर क्या होता है log a प्लस एक्स, ठीक है। हाँ, a की जगह है 1/√2 और x की जगह पर है v, और a माइनस एक्स, x की जगह पर है v, और ये तो सिंपल log x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इधर भी मैं log c जोड़ देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा, काटोगे तो अंडरूट दो बचेगा, यहाँ से दो अंडरूट दो, ठीक। log 1 प्लस अंडरूट टू वी, इसके बट्टे में भी v आएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस के अंडरूट टू वी बट्टे में भी, v से v कटा, v कैसे आ जाएगा, अंडरूट टू आएगा ना, अंडरूट टू से अंडरूट टू कट जाएगा, log m इन टू n, ये चीज, ठीक है। v का मान आपका क्या होता है, v बराबर होता है y बट्टे x, ये आप रख देना, जहाँ जहाँ v है वहाँ पर क्या आ जाएगा, y बट्टे x, ठीक है, x c। तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। x की घात 1, y की घात 1, देखो अंडर रूट है, 2 है तो बाहर अंडर रूट में आधा हो जाएगा, 1 2 है अंदर, बाहर आके 1। आपका सर इसकी घात 1, इसकी घात 2 तो सम घात है ही नहीं, लेकिन बाहर अंडर रूट भी लगा है। इसका सेंस क्या होता है कि जो भी घात अंदर है बाहर आके उस वो आधी हो जाएगी, तो सबकी घात 1-1 है, यानी कि ये सम घाती है। तो देखो कैसे होगा, x dy, ठीक है जी, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, सो अगर आप ध्यान से देखें dx ऊपर लिस्ट है, ये गुणे का इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे का, ये x गुणे में इधर के क्या हो गया, बट्टे का। तो ये हमारा क्या आ गया, समघातीय अवकल समीकरण, ठीक। अब समघातीय है तो हल करना आपको आता होगा, माना
डीवी बटे डी एक्स तो वाई बराबर क्या मानते हैं, वी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड मानने पे क्या हो जाता है, वी प्लस। ये प्रोसेस तो आपको रट जाना चाहिए कि यह होता है, ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। इसका मान फिर समीकरण एक में रखना होता है, रखने पे क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स अंडर रूट एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर वी एक्स बट्टे में एक्स। तो यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, और अंडर रूट से बाहर आके वो क्या हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ से बचेगा वन प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, टोटल से एक्स वनिष्ठ है, एक्स से एक्स कटा, ठीक है, इस वी से ये वी कटा, क्या बचा, एक्स डी वी बट्टे डी एक्स अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। इंटीग्रेशन आना चाहिए दोस्त, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, बहुत दिक्कत होगी। यही मैं बार बार आपसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भैया आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, ये वी गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये बट्टे वाला इधर के गुणे में और ये गुणे वाला इधर के बट्टे में, फिर क्या करते हैं दोनों तरफ समाकलन, फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या होता है, इसका सूत्र हो जाएगा लॉग, इसका इंटीग्रेशन लॉग वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग एक्स, इंटीग्रेशन भी हम लॉग में ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग एम इन टू लॉग एम प्लस एन, क्या होता है लॉग एम इन टू एन, इस लॉग से ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग होने पर एंटी लॉग लेने पर हट जाता है वो, और वी के जगह पे क्या आ जाएगा, वाई बट्टे एक्स। तो यहाँ रख देते हैं वाई बट्टे एक्स, ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। थोड़ा हल और कर सकते हैं परंतु हम यहीं छोड़ दे रहे, ठीक है। इंटीग्रेशन आना चाहिए, मेन मुद्दा वही है। अगर आपको समाकलन आता है तो ये आसान है, बहुत आसान है, नहीं आता है तो आपको ये पहाड़ लगेगा। सातवा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, यहाँ पर वाई बट्टे एक्स है एंगल में, तो यही मुझे आइडिया दे रहा है कि मुझे डी वाई बट्टे डी एक्स लेना है, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं यहाँ डी एक्स बट्टे डी वाई लें या डी वाई बट्टे डी एक्स लें, ये सोच रहे हैं। तो देखो वाई ऊपर है, तो इससे हमें ये आइडिया लग गया कि भैया हमें डी वाई बट्टे डी एक्स के फॉर्म में इसको बनाना है। अगर एक्स बट्टे वाई रहता तो मुझे डी एक्स बट्टे डी वाई बनाना पड़ता, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सो देखिए गाइस, इधर आपका डी एक्स दिख रहा है, इधर आपका डी वाई दिख रहा है, मैंने बोला आपको डी वाई बट्टे डी एक्स बनाना है, तो इधर डी वाई है, इधर डी एक्स है, ये बट्टे का इधर जाके चला जाएगा। देखो यहाँ से डी वाई रखा और ये डी एक्स इधर आ गया, ठीक, ये चीज़ यहीं पर रहेगी, एक्स कॉश वाई बट्टे एक्स प्लस वाई शाइन वाई बट्टे एक्स, टोटल के बाहर यहाँ पर क्या है वाई, ये गुणे में इधर जाके बट्टे में आ जाएगा, वाई शाइन वाई बट्टे एक्स माइनस एक्स कॉश वाई बट्टे एक्स, गुणे में क्या है एक्स। अब कई बच्चे बोलेंगे सर समघाती कैसे पता लगाएंगे, तो रुको भाई वो भी बताता हूँ। देखो एक्स की घात यहाँ एक है, वाई की घात यहाँ एक है, बाहर तो सबकी घात एक ही है, उस वो तो समान हो गया, वाई की घात एक एक्स की घात, आपका हो गया सर अंदर भी तो है, वो क्यों नहीं गिन रहे हो। देखो जब बट्टे में ना इसकी घात एक इसकी घात एक कट के ख़त्म, इसकी घात एक कट के ख़त्म, सेम यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो कुल मिला के इधर एक सबकी घात एक एक है अंदर और बाहर भी एक एक है अंदर, ठीक है, बाहर भी एक अंदर भी एक एक, तो ऊपर जिस तरीके से नीचे भी उसी तरीके से, तो ये समघाती अवकल समीकरण है। डी वी बट्टे डी एक्स है तो माना वाई बराबर हम क्या मानते हैं वी एक्स, अब क्लच करते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड कब क्लच, ये फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का क्लच, ठीक है। इन मानों को उठाकर हमें कहाँ रखना होता है, समीकरण एक में,
रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स की जगह तो एक्स रहेगा, कॉश वाई की जगह पे वी एक्स बट्टे में एक्स, वाई की जगह पे वी एक्स शाइन वाई की जगह पे वी एक्स बट्टे में एक्स और वाई की जगह पे वी एक्स, नीचे वाई की जगह पे वी एक्स शाइन, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर वी एक्स रख रहे हैं हम, डी वी बट्टे डी एक्स की जगह पे वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, ठीक है ये मान रख दिया। अब आप ध्यान से देखो, इसके बट्टे में एक्स, इसके ये बट्टे में एक्स कटा, और यहाँ से एक्स उपनिष्ठ है, यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स उपनिष्ठ, यहाँ से एक्स, एक्स एक्स खत्म, तो बचेगा क्या, एक्स एक्स कटा, यहाँ से बचा कॉस वी प्लस वी शाइन वी, यहाँ से ये कटा ना, और गुणे में बाहर क्या है वी है, ठीक है, यहाँ से क्या बचा वी शाइन वी, एक्स बाहर आ जाएगा ना उपनिष्ठ, और यहाँ से बचा एक्स कट गया था, यहाँ से बचा सिर्फ कॉस वी, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको यहाँ तक बताइए, नहीं होगी। अब ये प्लस का वी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के भी, और इधर बचेगा एक्स डी वी बट्टा डी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, लॉस ऑफ वी शाइन वी कॉस वी, इसकी गुणा एक से करोगे तो वही रहेगा, वी से अंदर गुणा भी कर दो, वी कॉस वी वी स्क्वायर साइन वी, वी से गुणा करेंगे तो वी स्क्वायर साइन वी, ठीक है, और वी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वी कॉस वी, और यहाँ आ गया एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, ठीक, ये प्लस का माइनस का कटा, वी कॉस वी, वी कॉस वी टू वी कॉस वी बट्टे में वी साइन वी माइनस के कॉस वी। अब हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल, एक्स वाले को एक तरफ वी वाले को एक तरफ, ठीक, सो देखो दोस्त क्या हो जाएगा, ये डी एक्स इधर एक्स इधर, ये इधर वी साइन वी माइनस के कॉस वी, और बट्टे में आ जाएगा टू वी कॉस वी डी वी, अलग अलग ले लेंगे इधर से, इंटीग्रेशन करेंगे कर देंगे उससे पहले थोड़ा अलग अलग लेते हैं, वी शाइन वी बट्टे में है टू वी कॉस वी कॉस वी, अच्छा डी वी भी अलग अलग ले दो, इसके बट्टे में है टू वी कॉस वी, ठीक है दोस्त, तो वी से वी कटा कॉस से कॉस कटा, दोनों तब इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं डी एक्स बट्टे एक्स, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, और यहाँ बचा इंटीग्रेशन में एक बट्टा दो बाहर, साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन वी, और यहाँ से वन बाई टू बाहर और डी वी बट्टा वी, ठीक है सिंपल, इधर तो हो गया लॉग एक्स, इंटीग्रेशन इधर सी जोड़ दूँ वन बाई टू, टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है टेन का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक वी, और ये डी वी बट्टे भी लॉग वी, ठीक है, सो देखो मैं कोई स्टेप रटता नहीं हूँ, अगर आपको एनसीईआरटी से मैच करना चाहोगे तो मैच होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं रट के नहीं आता बाकी टीचर्स की तरह, मैं दिल से पढ़ाता हूँ और मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि चीज़ें रटनी ना पड़े, वन बाई टू कॉमन ले सकते हो यहाँ से, वन बाई टू कॉमन ले लेंगे तो ये लॉग सेक वी, ठीक है लॉग सेक वी माइनस के लॉग वी, तो यहाँ से वन बाई टू बाहर लॉग एम माइनस एन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन सेक वी बट्टे वी, ठीक है, और आपको पता है वी बराबर क्या होता है वाई बट्टे एक्स, लास्ट में हमें ये रखना होता है, ठीक है, सो यहाँ से हमारा आ जाएगा वन बाई टू, इधर लॉग एक्स प्लस सी है और यहाँ से वन बाई टू लॉग शेक वाई अपॉन एक्स,
और बट्टे में है y अपॉन x। ठीक है, इसको थोड़ा और हल करना चाहो तो कर सकते हो, वरना यहीं पे छोड़ दो। मेन चीज़ है क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को समझना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ तो y बट्टे x है, पता ही लग रहा है dy बट्टे dx लेना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे। देखिए, ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अरे भाई, नेगेटिव हो जा रहा था ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, तो x शाइन y बट्टे x, ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव है। ठीक है, रेड रेड साइन से लगा दिया। अब देखो दोस्त, y माइनस एक्स शाइन y बट्टे एक्स, और ये जो गुड़े में था इधर के बट्टे में आ गया, ये हमारा समघाती अवकल समीकरण। कैसे पता लगेगा, इसकी घात एक, इसकी घात एक, y बट्टे बट्टे में जब होता घात कट जाती, इसकी घात एक, इसकी घात एक कट गई। अब इसकी घात एक है, इसकी घात एक है, इसकी घात पे ऊपर नीचे सबकी घात एक एक है, यानी कि ये समघाती है। ये हमारा क्या समघाती अवकल समीकरण है। डी वाई बट्टे डी एक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना वाई बराबर वी एक्स। अब क्लस करना डी एक्स के सापेक्ष, फर्स्ट इंटू सेकेंड मानते हो तो क्या हो जाता है, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो पहला दूसरे का अवकलच एक होता है, फिर दूसरा गुणे पहले का अवकलच। ठीक है, इन मानों को उठाकर हमें समीकरण एक में रख देना होता है, और फिर इसको हमें क्या करना होता है, हल करना होता है। जैसे हम रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाता है, v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, वाई का मान क्या है, वी एक्स, एक्स शाइन वाई का मान है वी एक्स बट्टे एक्स बट्टे एक्स। तो ऊपर से देखो x उभयनिष्ठ है, x x का टर्म, तो यहाँ से बचा साइन v। ठीक, यहाँ पे सिर्फ v बचेगा, इधर से प्लस का भी, इधर से प्लस का भी कट गया, तो कुल मिला के बचा क्या, एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ से बचा माइनस के साइन v। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये अब वेरिएबल सेपरेबल करना होता है हमें, शाइन गुड़े में इधर के बट्टी में आ जाएगा, और डी एक्स गुड़े में इधर बट्टी में आ जाएगा, और गुड़े का ये बट्टी में आ जाएगा माइनस। फिर हमें दोनों तरफ क्या करना होता है, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन। साइन ऊपर जाके क्या हो जाता है, कॉसिक, एक बट्टा साइन क्या होता है, कॉसिक, कॉसिक भी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग x, और सुविधा के लिए हमने log c जोड़ दिया। cosec का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, log क्या होता है, cosec v माइनस cot v, तो सूत्र है cosec v माइनस cot v। और ये log m माइनस n, log m अपॉन n, इधर भी log है, इधर भी log है, log से log हट जाएगा, cosec v माइनस cot v, इधर बचा c बट्टे x। और आप जानते हैं y बराबर क्या होता है, सॉरी v बराबर क्या होता है, y बट्टे x। ठीक है ना, यहाँ से v का मान क्या जाता है, y बट्टे x, ये जहाँ जहाँ v रख दो, cosec y बट्टे x, cot y बट्टे x, c बट्टे x। ठीक, ये हमें हमारा अवकल समीकरण आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, वाई की घात एक, एक्स की घात एक, एक्स की घात एक, तो सबकी घात एक है, यानी कि ये, और वाई बट्टे एक्स यहाँ हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपको डी वाई बट्टे डी एक्स के रूप में बनाना है हल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी वाई, ठीक है, और ये उधर चला जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से डी वाई उपनिष्ठ निकालता हूँ, डी वाई ओपन निकालूंगा, अंदर बजेगा एक्स लॉग वाई बट्टे एक्स माइनस के टू एक्स, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए, ये गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया, और ये गुणे में था इधर के बट्टे में आ जाएगा,
ठीक, ये चीज आगे समझ में। थोड़ा सा अगर आप इस माइनस के कपले को हटाना चाहें, यहाँ से माइनस नीचे गुणा कर दो, ठीक है, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो ये हमारा समघाती अवकल समीकरण हमें मिल चुका है। समघाती है कैसे, y की घात एक, x की घात एक, ये तो ऊपर नीचे बट्टे में हट गया, x की घात एक, सबकी घात एक एक अवकल समीकरण। अब माना y बराबर हमें क्या मानना होता है, वी एक्स, तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या हो जाता है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लगाते हैं, पहला गुणा दूसरे का अवकलज, पहला गुणे दूसरे का अवकलज एक, प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलज। इस मान को उठाकर हमें यहाँ रखना होता है समीकरण नंबर एक में, ठीक है, रखते हैं। तो ये हो जाएगा वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, वाई की जगह पे क्या आता है, वी एक्स, यहाँ माइनस एक्स है, लॉग वी एक्स बट्टे एक्स, और ये है प्लस के टू एक्स, यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स उभयनिष्ठ आ जाएगा, माइनस के लॉग वी बचेगा ओनली, और यहाँ से प्लस के टू एक्स, एक्स कैंसिल, ठीक है। तो देखो दोस्त, ये प्लस का वी इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के वी, लॉस ऑफ पावर क्या आ जाएगा, टू लॉग वी, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ, वी कम वी है, इसकी गुणा कर दोगे तो टू वी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ जाएगा वी लॉग वी, ठीक। सो देखो दोस्त, यहाँ से बचेगा वी लॉग वी, वी में से दो वी घटाएंगे तो एक वी बचेगा, और यहाँ से आ गया दो माइनस के लॉग वी, और इधर है आपका एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, सरल कर दिया। अब हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल करना होता है, ठीक है। तो ये बट्टे का है, इधर के गुणे में लग जाएगा माइनस टू माइनस का लॉग वी, और यहाँ से देखो वी उभयनिष्ठ है, माइनस का वी प्लस लॉग वी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये इधर आ जाएगा एक गुणे वाला इधर के बट्टे में, ठीक है जी। ऐसा हो जाने के बाद दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन, ओके, ये चीज़ हमने कर दी है। अब देखो आपका दिमाग क्या कहता है, ठीक है, आपका दिमाग तो बहुत कुछ कहता है, मुझे पता है, यहाँ लॉग भी है, यहाँ पे भी लॉग भी है, प्लस माइनस का फर्क है, तो मैं इस दो को तोड़ के लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन करने के लिए। देखो कैसे, वन यहाँ पर क्या है, माइनस के लॉग वी, वन प्लस वन, ठीक है। अब इसका फ़ायदा देखना क्या होता है, ये लॉग वी माइनस वन, ठीक है, ये और ये डी वी, अब इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। अब देखो मैं क्या करूँगा, अलग 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 लेंगे तो क्या होगा, वन माइनस के लॉग वी, वी माइनस के वन प्लस का लॉग वी है, इसके बट्टे में ये आ गया, और डी वी इसके बट्टे में वी लॉग वी माइनस वन। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तभी ये बात आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ देखो, सेम टू सेम चिन्ह का फर्क है तो नेगेटिव आ जाएगा, और देखो इसको मानने से पूरा अवकलज यहाँ मिल रहा है, मिल रहा है, इसको मानने से ये पूरा मिल रहा है। तो देखो इससे ये कटा, बट्टे पे वी बचा, डी वी बट्टे वी क्या होता है, लॉग वी, इसको मानने से ये पूरा मिल रहा है, मिल रहा है पूरा, जब इसको मानने से पूरा मिल रहा है तो लॉग में आ जाएगा, माइनस ले लिया मैंने यहाँ पर, क्यों, यहाँ तो प्लस है, प्लस रहेगा, लॉग में आ जाएगा क्या, लॉग वी माइनस वन। अगर मान नीचे वाले को मानने से अगर पूरा ऊपर ऑफ क्लच मिल जाता है तो लॉग पे वो आ जाता है, और डी एक्स बट्टे एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, इंटीग्रेशन लॉग में ही ले लो, लॉग सी। अब देखो यहाँ से लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन,
log m n, log m plus n, log m into n, यहाँ पे भी log, यहाँ पे भी log, log से log हट गया, क्या बचा इधर, log v माइनस वन बट्टे v, और यहाँ पर एक्स सी। आप जानते हैं y बराबर आपने क्या माना है, वी एक्स, तो v बराबर क्या होता है, y बट्टे x, जहाँ जहाँ v है वहाँ पर y बट्टे x रख दो। थोड़ा और हल करना चाहो तो कर सकते हो, मैं तो यहीं पे छोड़ रहा हूँ, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे छोड़ोगे तो भी पूरे ही नंबर मिलेंगे, ठीक है, ये प्रश्न भी बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, दसवां क्वेश्चन, शानदार जानदार मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन। क्यों अभी तक आप डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स कर करके बोर हो गए होगे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स बट्टे में वाई है, एक्स के बट्टे में वाई है। ये मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपको भाई तेरे को ना डी एक्स बट्टा डी वाई लेनी पड़ेगी, ये मुझे ये सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि एक्स ऊपर है वाई नीचे, तो क्वेश्चन ही बता देता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लस क्या होता है, क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का इधर के क्या होगा माइनस का, तो जैसे ही माइनस का होगा ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव से आने के बाद नेगेटिव से मैंने एक साथ गुणा कर दिया, डी एक्स बट्टा डी वाई ये गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। ये हमें हमारा अवकल समीकरण मिला। अब ये समघाती कैसे है वो भी देख लो, x और y की घात दोनों की एक 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 कट के ख़त्म, इसकी घात ज़ीरो, कोई संख्या अगर लिखी होती तो उसकी घात ज़ीरो होती है, x और y की घात कट के ज़ीरो, तो ऊपर सबकी घात ज़ीरो है, देखो इसकी घात ज़ीरो, x और y की घात कट के ज़ीरो, सबकी घात ज़ीरो ज़ीरो, यानी कि ये क्या है, समघाती है, देख के आइडिया ऐसे लगाता है, ठीक है। बाकी तरीका तो आपको पहले क्वेश्चन में बता ही रखा है, एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स मानना हो तो वाई की जगह पर लैम्डा वाई, और हल कर देना होता है। समघाती है तो हमें क्या हो करना पड़ेगा, माइनस माना अब की बार एक्स है ना, तो एक्स बराबर हमें वी वाई मानना पड़ेगा, और इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, ठीक है, किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। तो पहला दूसरे का अपक्लच, वाई का अपक्लच एक, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज वाई के सापेक्ष। अब इन दोनों मानों को उठाओगे और यहाँ पर रख दोगे समीकरण एक में, ठीक, रखो यहाँ पर डी एक्स बट्टा डी वाई का मान रखेंगे, तो वी प्लस वाई डी वी बट्टा डी वाई, एक्स के जगह पे क्या रखना है, वी वाई बट्टे में है वाई माइनस के वन की पावर में वी वाई बट्टे में वाई, वाई से वाई कटा, वाई से वाई कटा, वाई से वाई कटा, यहाँ पे बचा वी माइनस वन की पावर वी, और यहाँ से बचा वन प्लस की पावर वी, ठीक। फिर देखो ये प्लस का वी इधर के माइनस का हो जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, और यहाँ बचेगा वाई डी वी बट्टे डी वाई, ठीक है। आपका आपकी बार जो हल आएगा वो एक्स में आएगा, ये चीज हो गई। अब हमें क्या करना है, हल करना है, लॉसअप आ जाएगा वन प्लस ए की पावर वी, इसके गुणा इसके साथ गुणा कर दो अंदर, वी ए की पावर वी, ए की पावर वी, इससे गुणा करोगे वी एक कम वी माइनस प्लस माइनस वी ए की पावर वी, ये प्लस का ये माइनस का कटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर हमारे पास बच रहा है नेगेटिव 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 वंश ले लो, और ए की पावर वी प्लस वी, ठीक है, और बट्टे में क्या है वन प्लस ए की पावर वी। अब हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल, वाई को एक तरफ और वी को एक तरफ, ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, और ये जो गुणे का वो बट्टे में आ जाएगा, ये गुणे का इधर
भट्टे का इधर गुड़े में आ गया और गुड़े का जो है इधर आके भट्टे में आ गया। फिर क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन, ठीक है। अब देखो इसको मानने से इसका पूरा आप क्लच ऊपर मिल रहा है, एक की पावर v का क्लच, एक की पावर v और v का क्लच एक मिल रहा है। जब नीचे मानने पे पूरा ऊपर आप क्लच मिलता है तो वो लॉग में आ जाता है, लॉग v प्लस एक की पावर v dv बट्टे y log y, सब लॉग में, तो इंटीग्रल कांस्टेंट भी मैंने लॉग में ले लिया। लॉग m माइनस n क्या होता है, लॉग m बट्टा n, n की जगह पे y है, ठीक है ना। ये शब्द तो आप जानते ही हो गए, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m बट्टे n, ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर, इधर लॉग है इधर लॉग है, लॉग से लॉग हटा, यहाँ क्या बचा v एक की पावर v और यहाँ बचा c बट्टे y। आपने x बराबर क्या माना था, वी वाई, तो v बराबर क्या होगा, x बट्टे y। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ रख दो x बट्टे y, ये आपको आपका अवकल समीकरण का हल आराम से मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुझे इतनी लगता होगी, आराम से बन गया, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्नों में। अब बस समझाती है मैं ना, केवल पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, विशिष्ट हल निकालने, जब कंडीशन आ जाती है तो सी के मान को बस हटा देना होता है और फिर हो जाते हैं। कह रहे हैं 11 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो देखिए ये कंडीशन दिया का उपयोग करना है हमें अंत में। तो देखिए हमारे पास क्या है, मैं डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ, डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, और ये गुणे का इधर के भट्टे में आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये अवकल समीकरण में मिलेगा, समघाती है, y की घात एक, x की घात एक, x की घात एक, y की, सब की घात एक एक है, समघाती है, ठीक है। dy वाई बट डी एक्स है, माना y बराबर वी एक्स, तो dy वाई बट डी एक्स क्या हो जाएगा, है ना, वी एक्स डी वी बट डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के अब क्लच कर दोगे x के सापेक्ष, ठीक। इस मान को फिर समीकरण एक में रखना होता है, अब रखो मान समीकरण एक में, तो डी वाई बट डी एक्स की जगह पे आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बट डी एक्स, ठीक। और एक्स वाई की जगह पे क्या रखा है हमने, वी एक्स माइनस एक्स, ऊपर से एक्स उपनिष्ठ, वी माइनस वन, वन प्लस वी एक्स, एक्स कट डाउन, ये प्लस का भी इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का भी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, ठीक। लॉस ऑफ वन प्लस वी एक कम वन प्लस बी, इसके गुणा इसके साथ करो, वी माइनस एक, गुणा करोगे वी से, वी एक कम वी माइनस का, माइनस प्लस माइनस वी गुणा वी वी स्क्वायर, प्लस का वी माइनस का वी कटम, माइनस उपनिष्ठ निकाल दो, वी स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस वी। अब हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल करना होता है, v एक तरफ x एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस वी और ये गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये बट्टे का इधर के गुणे में और जो गुणे वाला इधर के बट्टे में, हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर देना, इंटीग्रेशन, वेरिएबल सेपरेबल के बाद क्या कर दें, इंटीग्रेशन अलग अलग ले लूँ, माइनस बार डी एक्स अपॉन एक्स कंडीशन लॉग एक्स लॉग सी। अब आप देखिए ये तो सूत्र हो गया टेन इनवर्स वी का, और इसको मानने से वी स्क्वायर का अवकलज टू वी होता है, टू नहीं है, दो से गुणा करेंगे, दो से भाग करेंगे, नीचे वाला मानने पर ऊपर पूरा मिल रहा है, तो क्या आ जाता है, लॉग में आ जाता है वो,
log m माइनस n, log m अपॉन n, ठीक है। और आपको क्या करना है, v की जगह पे क्या रखना है, y अपॉन x। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पर y अपॉन x रखो, लॉग c नहीं रखना चाहिए था, सिर्फ c रखना चाहिए था, क्योंकि c निकाल के मान रखना है ना, तो ये मेरी गलती है दोस्त। यहाँ पर हमें लॉग x ही रखो, यहाँ पर ये पूरा x है माइनस का, और यहाँ c रखो, इसकी जगह पर c रखो तो बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस के लॉग x और ये c है, ये हमें अवकल समीकरण का हल मिल चुका है, ठीक है, जनरल सोल्यूशन मिल चुका है, लेकिन अब हमें सी का मान निकाल के रखना है प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रश्न अनुसार। प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है दोस्त, कि एक्स का मान जब एक रखोगे तो वाई की जगह पर भी आप एक रखोगे, ठीक है। तो एक्स बराबर वन और वाई बराबर वन का प्रयोग करो, यहाँ रखेंगे वन अपॉन वन, वन बाई टू, लॉग वन का स्क्वायर वन, एक्स की जगह पर एक, वाई की जगह पर एक, माइनस के लॉग वन प्लस सी। सो देखो टेन इनवर्स वन का मान होता है पाई बाई फोर, वन बाई टू, लॉग टू हो जाएगा, लॉग वन का मान होता है ज़ीरो प्लस सी। तो जो सी का मान आ रहा है कुल मिलाकर वो आ रहा है पाई बाई फोर, वन बाई टू, लॉग टू। इस सी के मान के उठाकर यहाँ पर हमें रख देना है और हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अब यही प्रश्नों को अगर मैं डिजिटल बोर्ड में करता ना तो हो ही नहीं सकता, डिजिटल बोर्ड में होता ही नहीं, और आप कंफ्यूजन में पड़ जाते कि भाई कहाँ से क्या हो रहा है। सी की जगह पे क्या है, पाई बाई फोर प्लस वन बाई टू, लॉग टू, ठीक है। ये जो हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अभी किया था, बस कंडीशन लगा दिया है, थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को आपने किया है, ठीक है। अब बस यहाँ पर क्या आ गई है, कंडीशन आ गई है। सो देखो हमें यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स क्या मिल जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है तो ये चीज़ मिलेगी डी वाई, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। ये हमें हमारा अवकल समीकरण मिल जाएगा, समघाती है, पता ही लग गया होगा कैसे, क्यों x और y की घात मिलाकर दो, गुणे में तो जुड़ जाती है घातें, इसकी घात दो, इसकी घात दो, सबकी घात दो दो है, यानी कि समघाती है, डी वाई बट्टे डी एक्स है, तो माना y का मान आप क्या मानोगे, वी एक्स, और डी वाई बट्टे डी एक्स क्या हो जाता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा तो वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, ठीक है। इस मान को उठाकर हमें कहाँ रखना होता है, समीकरण एक में रखो, एक्स की जगह वाई की जगह पर क्या रखेंगे, वी एक्स, वाई की जगह पर वी एक्स रखेंगे तो स्क्वायर करना है, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर। तो देखो तो एक्स स्क्वायर ओबनिस्ट है, यहाँ से बचेगा v और यहाँ से बचेगा वी स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये कटा, लेकिन माइनस भी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है, माइनस भी है, तो माइनस अंदर बढ़ा करेंगे माइनस v, क्योंकि प्लस का v इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस वी माइनस वी माइनस का टू वी माइनस का वी स्क्वायर,
वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, माइनस अगर ओपन स्ट निकालेंगे तो 2v प्लस के वी स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का इधर के बट्टे में आ जाएगा, प्लस इधर ये है ना, इधर आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2v, ये बट्टे वाला इधर गुणे में और गुणे वाला इधर के बट्टे में। फिर क्या करना है, दोनों तरफ ये कर दिया। अब इधर क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने पे क्या करना होता है, पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो अपनी सुविधा से देखो मैं क्या करूँगा, एक जोड़ा और एक हटा दिया, इधर इंटीग्रेशन हो गया log x प्लस c। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक v प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर। तो ये सूत्र बन गया है, ये सूत्र बन गया किस रूप में, dx बट्टे x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये वाला सूत्र बन गया, ठीक है। जिसका शो क्या होता है, 1/2a log x प्लस नहीं x माइनस a बट्टे x प्लस a, ये इसका इंटीग्रेशन का सूत्र होता है। तो यहाँ x की जगह पे क्या है, v प्लस 1 और a की जगह पे 1 है, तो 2a 1/2 ही रहेगा log x प्लस 1, ये x सॉरी x माइनस 1 a, x माइनस a, तो x की जगह पे v प्लस 1 है और a की जगह पे 1। तो 1/2 log, यहाँ से बचेगा सिर्फ v और यहाँ से v प्लस 2, और आपको पता है v की जगह पर हम क्या रखते हैं, y बट्टे x, ठीक है, वो हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 log y अपॉन x प्लस 2 माइनस के log x प्लस c, ठीक। थोड़ा और हल करते हैं, इसके बट्टे में x, इसके एक बट्टे में x का टर्म log y 2x प्लस y, यहाँ तक रहते हैं, ये हमें व्यापक हल मिल गया। अब हमें विशिष्ट हल निकालने हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोल रखा है कि x का मान 1 है तो y का मान भी 1 लेना है, रखो जहाँ जहाँ x और y हो वहाँ पर 1-1 रखो, log 1 एक रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये आ गया 1/2 log 1/3 और log 1 का मान 0 प्लस c, तो c का मान आ गया 1/2 log 1/3, ठीक है। इस c के मान को उठाकर यहाँ पर रख देंगे और जो आएगा वो हमारा विशिष्ट हल हमें आराम से मिल जाएगा, ठीक। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न है, ठीक है। देखो y यहाँ दिख रहा है, y बट्टे x यानी कि dy बट्टे dx लेना, और ये हमारी कंडीशन है जिसका उपयोग हमें अंत में करना होता है, ठीक है। तो dy बट्टे dx बनाते हैं, यहाँ dy है, तो जब dy बट्टे dx बनाओगे तो जो मिलेगा आपको वो मैं लिख दे रहा हूँ, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक। सो देखो दोस्त, इसकी घात एक देखो, बट्टे में जब होता है तो कट जाता है, ख़त्म कहानी, और इसकी घात भी एक, ऊपर नीचे सबकी घात एक है, तो ये हमारा समघाती अवकल समीकरण है,
डी वाई बट्टे डी एक्स है तो मान लेते हैं, माना वाई बराबर वी एक्स, ठीक है। डी वी बट्टा डी एक्स है, एक्स के शापे जब क्लोज करेंगे तो हमें मिल जाता है वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ये चीज़ तो रट जानी चाहिए क्वेश्चन कर करके, और इसका मान फिर हमें समीकरण एक में रखना होता है। रख देंगे तो क्या मिलेगा, वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, वाई की जगह पे क्या आएगा वी एक्स, वाई की जगह पे वी एक्स बट्टे में एक्स, ये एक्स। आप देखो एक्स एक्स का टर्म, यहाँ से एक्स उपनिष्ठ आएगा, यहाँ से एक्स उपनिष्ठ आएगा, ये एक्स ऊपर से एक्स उपनिष्ठ है, नीचे से एक्स है, एक्स एक्स का टर्म। तो यहाँ पे बचा सिर्फ वी साइन स्क्वायर वी, और ये देखो इधर से क्या बचेगा, प्लस का वी माइनस प्लस का वी दोनों तरफ एक कटा, तो क्या बचा, इधर बचा बस सिर्फ साइन स्क्वायर वी। सरल कर दिया, अब हमें क्या करना है इसको भाई, वेरिएबल सेपरेबल करना है। तो ये साइन स्क्वायर इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में था इधर के बट्टे में, ये चीज़ हो गई। साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर, ठीक। वेरिएबल सेपरेबल कर दिया सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, अब हमें क्या करना था, दोनों तरफ समाकलन करना होता है, कर दिया। कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कॉट वी, और ये हो गया माइनस के लॉग एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दिया। आपको पता है वी का मान हम क्या रखते हैं अंत में, वाई बट्टे एक्स, ये हमें हमारा क्या मिल गया, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया, लेकिन हमें तो विशिष्ट हल निकालना है प्रश्न अनुसार। क्या बोला गया प्रश्न में, कि x का मान एक लो और y का मान पाई बाई फोर, ठीक है। रखते हैं यहाँ पर y का मान पाई बाई फोर बट्टे एक, x का मान एक, तो cot पाई बाई फोर का जो मान होता है ना वो होता है एक, log वन का मान ज़ीरो, तो c का मान आ गया माइनस एक। अब इस c के मान को उठाकर यहाँ रख दो तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कॉट वाई बट्टे एक्स माइनस के लॉग एक्स, और सी का माने माइनस के वन, ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो एंगल में वाई बट्टे एक्स दिखना है, यानी कि आपको पता चल गया कि हमें डी वाई बट्टे डी एक्स के रूप में लेना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना बनाया है, ठीक, और इंपॉर्टेंट भी है। ये नेगेटिव के इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव के इधर के क्या हो जाएगा नेगेटिव, कॉसिक वाई बट्टे एक्स, ठीक है। ये हमें हमारा समीकरण प्रॉपर वे में मिल गया है, और ये समघाती कैसे हैं, देखो इस प्रश्नावली में तो चलो पता ही चल जा रहा है कि ये सारा समघाती आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम आते आते क्वेश्चन हो सकता है एक ही क्वेश्चन आप दो तीन तरीकों से कर पाओ, ठीक है, ये किसी और से भी हो जाए। तो जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा करोगे, जब आप बहुत ज़्यादा रिविजन कर लोगे, तो वो चीज़ आपका माइंड आपको ऑटोमेटिकली बोलेगा, ठीक है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आती है प्रैक्टिस रिविजन और हार्डवर्क से, एक दिन में नहीं आता वो चीज़। तो देखो इसकी घात एक, इसकी घात एक बट्टे में, तो घात जीरो हो गया, और यहाँ पे भी जीरो है घात, तो दोनों की घात जीरो जीरो, यानी कि समघाती है। तो डी वाई बट्टे डी एक्स है तो मान लेंगे, माना वाई बराबर वी एक्स, और हमें अब क्लच कर देना है डी वाई बट्टे डी एक्स के रूप में, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्लच प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का क्लच, ठीक। इन मानों को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा देखिए, जैसे ये मान हम रखेंगे v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, ठीक है, y की जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा वी एक्स बट्टे में x, कॉसिक y की जगह पर वी एक्स बट्टे में है x, ठीक। x से x कटा, x से x कटा, यहाँ बचा v और यहाँ बचा कॉसिक v, बहुत आसान है, प्लस का v इधर भी, प्लस का v कट गया,
यहाँ से बचा सिर्फ x dv बटे dx। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, कोसेक है बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा, ये गुणे में इधर के बट्टे में हो जाएगा, ठीक कोसेक भी और ये बट्टे के इधर गुणे में और गुणे के इधर के बट्टे में। कोसेक का मतलब होता है बट्टे में कोसेक है तो यानी कि साइन वी डी वी। वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन भी साथ ही साथ कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस वी, ठीक है, इस माइनस को अगर इधर कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, ठीक है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन हो गया तो सी जोड़ दो, आपको बताएंगे वी बराबर क्या होता है अंत में वाई बट्टे एक्स रखना होता है, तो जहाँ जहाँ वी है वहाँ पर वाई बट्टे एक्स रख दो, तो कॉस वाई बट्टे एक्स लॉग एक्स प्लस सी। ये हमें हमारा व्यापक हल मिल चुका है। विशिष्ट हल निकालने के लिए हमें कंडीशन का प्रयोग करना है, ठीक। कंडीशन हमें क्या दे रखा है प्रश्न में कि y बराबर 0 और x बराबर कितना है 1 है, ये हम रखेंगे यहाँ पर। cos 0 का 0 बट्टे 1 0 होगा, cos 0 का मान चलो पहले log 1, देखो cos 0 का मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है, तो c का मान आ गया 1, ठीक। इस c के मान को उठाकर हमें यहाँ रख देना है तो हमें हमारा विशिष्ट हल मिल जाएगा, तो आ जाएगा cos y बट्टे x log x c का मान है 1, ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल गया। कोई डाउट कोई भी दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इसकी घात 1, इसकी घात 1 गुणा है टोटल घात 2, इसकी घात 2, इसकी घात 2, डी वाई बटा डी एक्स ऑलरेडी आपको दिख रहा है, कंडीशन आपको दिख रही है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, यह है 2xy प्लस की वाई स्क्वायर, ये नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक। 2xy 2x स्क्वायर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, समीकरण नंबर इसको मैंने क्या मान लिया 1। समघाती है, देखिए पता चल गया हमें, कैसे पता चला देखिए हमें, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोल ही दिया है x की घात 1 y की घात गुणे में टोटल घात 2 इसकी घात 2 इसकी घात 2, समघाती है dy बटा dx है, तो हमें मानना पड़ेगा माना y बराबर vx, ठीक y बराबर vx हम मानेंगे और अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष, तो पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलज। अब तक तो ये स्टेप्स आपको रट गए होंगे एकदम, है कि नहीं। अब इन मानों को उठाकर हमें समीकरण 1 में रखना है, तो रखते हैं, क्या होगा देखिए, 2xy की जगह पे vx, v स्क्वायर x स्क्वायर बट्टे में 2x स्क्वायर, और यहाँ है v प्लस x dv बट्टे dx, ठीक। ऊपर से एक्स स्क्वायर ओवनिस्ट है, कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2v, यहाँ से बचेगा v स्क्वायर बट्टे में सिर्फ 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर ओवनिस्ट ऊपर से नीचे से वो कट गया, और यहाँ पर है v प्लस x dv बट्टे dx, ओके। अब देखो दोस्त क्या हो जाएगा, ये प्लस का भी इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉस ऑफ आ जाएगा 2 1 कम 2, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, प्लस का 2v माइनस का 2v कटा, यहाँ बचा v स्क्वायर बट्टे 2 x dv बट्टे dx। अब हमें क्या करना होता है सरल करने के बाद, वेरिएबल सेपरेबल, तो देखो दोस्त यह आ जाएगा डी एक्स बट्टे एक्स, ठीक है ना, और इधर आ जाएगा वी की पावर माइनस टू डी वी, देखो ये बट्टे में आएगा, बट्टे का ऊपर जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, टू मैंने यहाँ रखा, वेरिएबल सेपरेबल हो गया,
फिर क्या करना होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/2 बाहर डी एक्स अपॉन एक्स कंडीशन लॉग एक्स, और ये हो जाएगा n+1/n+1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, 1/2 लॉग एक्स, यहाँ से माइनस, इसकी घात माइनस का 1 बचेगा, नीचे आके प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। आपको v का मान क्या रखना होता है, y/x लास्ट में, ये यहाँ रख दोगे, और ये बट्टे का x कहाँ जाएगा, ऊपर, माइनस के x/y प्लस c, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल चुका है। व्यापक हल क्या होता है, जिसमें c होती है। प्रश्नानुसार y बराबर क्या रखना है, 2, व x बराबर क्या रखना है, 1, रखो 1/2 x के जगह पर 1 रख दिया, तो log 1 का मान 0, माइनस के 1/2 इधर के प्लस का 1/2, सी का मान आ गया 1/2। अब इस सी के मान को उठाकर हमें यहाँ रख देना है, तो हमें हमारा आंसर मिलेगा 1/2 log x माइनस के x/y, और सी का मान है 1/2। ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल गया, हंसते हंसते। कोई डाउट नहीं होगी। लास्ट के जो दो प्रश्न है उसमें हमें MCQ फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा सही है, इसमें से हमें क्या रखना है। तो देखो बहुत ही आसान है, कह रहे ये अवकल समीकरण है, इस रूप में है, समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन विधि किया जाएगा। तो क्या है, dx/dy, एक्स जब ऊपर रहता है तो एक्स की जगह पर हम क्या रखते हैं, vy, तो x की जगह पर हम रखेंगे vy, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आ जाओ अगले आखिरी प्रश्न में, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा समघातीय अवकल है, देखो इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 0, ठीक है, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात है, इसकी घात 0 हो गया, तो बात खत्म, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरे में जो इसकी घात 2, एक्स और वाई की घात 2, लेकिन इसकी घात 3 है, इसकी घात 3 है, ये भी नहीं होगा। इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसकी घात 2, जब 4 में से 3 गलत हो, चौथा सही होगा, फिर भी देखो इसकी घात 2, इसकी घात 2, इन दोनों को गुणा करने पर घात 2, ये भी 2, सबकी घात 2 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी प्रश्नावली नई NCERT बुक के आधार पर वन शॉट पे हमने कंप्लीट कर ली है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लो। तो बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, और ये चैप्टर बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से हर प्रश्नावली से एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवकल समीकरण या समाकलन और अवकलन को मिला के 50% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और आसान चैप्टर्स हैं। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, नई NCERT बुक पढ़ा रखी है, पुरानी NCERT बुक भी पढ़ा दी है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।